देखो खुद से ही टी प्रोबेबिलिटी पेपर टू, मैं बाद में आपको उसके पीडीएफ भेजूंगा। खुद से ही थी प्रोबेबिलिटी पेपर टू। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पी ऑफ ए इक्वल्स 2.1, पी ऑफ बी इक्वल्स 2.2, पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स 2.25। देन वन इज टू फाइंड पी ऑफ बी बाय ए डैश। निकालना क्या है पी ऑफ बी बाय ए डैश। हम बच्चों क्वेश्चन एक बार ठीक से देख लो, चॉइस 1/6, 2/3, 5/6, 1/3। अब आगे बढ़ने के लिए मेरे पास ये सबसे पहले फॉर्मूला है। यहाँ पे क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन एक क्वेश्चन देख लो, पी ऑफ ए गिवन, पी ऑफ बी गिवन, पी ऑफ ए यूनियन बी गिवन, वन इज टू फाइंड पी ऑफ बी बाय ए डैश, राइट। चॉइस भी देख लेंगे आप लोग। अब सॉल्यूशन की तरफ आ जाओ। तो मेरे को जितना नॉलेज है, हम लोग सबसे पहले फोकस करेंगे पी ऑफ ए यूनियन बी। जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी वो बात की बात है, बट फर्स्ट वी आर फोकसिंग ऑन पी ऑफ ए यूनियन बी वाला फॉर्मूला। P of A union B is 0.25, P of A 0.1, P of B 0.2, minus of P of A intersection B. K of A intersection B equals to 0.30 minus 0.25. So P of A intersection B equals to 0.05. फिलहाल इसको मंडल लाइन करके छोड़ देता हूँ, और मेरा जो फोकस है वो कौन सा क्वेश्चन है बच्चों, तो पी ऑफ बी बाय ए डैश, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी रिलेटेड टू ए डैश। बी बाय ए डैश आपने पढ़ा है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश अपॉन पी ऑफ ए डैश, बी इंटरसेक्शन ए डैश अपॉन पी ऑफ ए डैश। अगर बेसिक आपको इस चीज का पता है तो इसको बी इंटरसेक्शन ए डैश को कैसे लिख सकते हैं, पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और इसको लिखेंगे 1 माइनस ऑफ पी ऑफ ए। बी इंटरसेक्शन ए डैश कैन बी रिटर्न एज पी ऑफ बी माइनस ऑफ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, 1 अपॉन 1 माइनस पी ऑफ ए। अब पी ऑफ बी आपके पास क्या है, 0.05, और ये निकल के आ रहा है 1 माइनस 0.1। बच्चे इसकी कैलकुलेशन के लिए हम लोग फोकस करेंगे, तो 0.20 माइनस पॉइंट क्या होगा, 0.20 माइनस 0.05, ये होगा 0.15, ये होगा 0.9, इसको बोलेंगे 15/90, तो आंसर होगा 1/6 कैलकुलेशन करके। तो पी ऑफ बी बाय ए डैश निकल के क्या आता है, 1/6। 1/6 मीन्स आपकी करेक्ट चॉइस जो हो जाएगी वो कौन सी रहेगी, ए। आपकी करेक्ट चॉइस कौन सी रहेगी, ए। एक बार फिर से फोकस कर लो। सबसे पहले मैंने ए यूनियन बी निकाला, मतलब ए यूनियन बी का फॉर्मूला डाला, उससे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाला। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी रिलेटेड टू ए डैश, इसका फॉर्मूला रहता है पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश अपॉन पी ऑफ ए डैश। तो B intersection A dash can be expressed as P of B minus P of A intersection B, और ये complement वाला formula 1 minus P of A data डाल के simplify किया गया है, देख लो एक बार। देखो
सेकेंड वाला क्वेश्चन, सेकेंड वाला क्वेश्चन पी ऑफ ए पॉइंट वन पी ऑफ बी इक्वल्स टू पॉइंट टू पी ऑफ दे हैव गिवन ए यूनियन बी इक्वल्स टू पॉइंट ट्वेंटी फाइव. Then one has to find P of A dash by B dash. A dash by B dash. निकालना क्या है P of A dash by B dash. अब बच्चों मेरी बात सुनो, क्वेश्चन एक बार देख लिया है तो हम लोग सॉल्यूशन की तरफ जाने की कोशिश करेंगे. तो जैसे कि मैं यहाँ पे भी इंटरसेक्शन बी में इंटरेस्ट ले सकता हूँ, पर जिस तरह से डेटा है मरी नॉलेज से साइड उसकी आपको ज्यादा जरूरत नहीं होगी. पी ऑफ ए जरूरत पड़ी तो निकाल लेंगे. पी ऑफ ए डेस बाय बी डेस फॉर्मूला से ये निकलेगा पी ऑफ ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस अपॉन पी ऑफ बी डेस. अब डिमॉर्गन लॉ से ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस उसको कैसे लिख सकते हैं, ए यूनियन बी टू द होल डेस. This one is P of B dash. इसको लिखेंगे 1 minus P of A union B. इसको लिखा जाएगा 1 minus P of B. 1 minus P of A union B. वो हो जाएगा 0.25. A union B जो है वो 0.25 है. तो वो डाल दिया और P of B जो है वो point क्या है 20. तो ये होगा 0.75 by 0.80. तो 75 by 80. I think so 15 Pfizer. और ये होगा 16 फाइजा. तो चॉइस होनी चाहिए 15 अपॉन 16. मतलब चॉइस जो निकल के आएगी वो आपकी कौन सी चॉइस हो जाएगी, सी. फिर से एक बार P of A dash by B dash, उसको मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला डाली P of A dash intersection B dash upon P of B dash. डी मॉर्गन लॉ से इसको लिखेंगे A union B to the whole dash upon P of B dash. A union B whole dash को 1 minus P of A union B P of B dash 1 minus P of B. फॉर्मूला में वैल्यू डाल के सिंप्लीफाई किया गया है. देख लो